अस्सलामु अलैकुम। PTCL मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन वीडियो गाइड में खुशामदी। आज हम आपको PTCL के टेंडा W150D मॉडर्न को IPTV या PCTV के लिए कॉन्फ़िगर करना सिखाएंगे। मॉडर्न कॉन्फ़िगर करने से पहले कुछ जरूरी हिदायत। कंफर्म कर लीजिए कि मॉडर्न पे DSL या ADSL लाइट स्टेबल होनी चाहिए। ये भी कंफर्म कर लीजिए कि आपका मॉडर्न PC या लैपटॉप के साथ थ्रू LAN या Wi-Fi कनेक्ट होना चाहिए। ये भी कंफर्म कर लीजिए कि आपकी DSL लाइन कॉपर है या फाइबर। अगर आपके पास ये मालूमात नहीं तो आप ये मालूमात हमारी हेल्पलाइन 1218 से हासिल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं तो उसे रिमूव कर लीजिए और अपने मॉडम को सिंगल कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले अपने सिस्टम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कीजिए और एड्रेस बार पे टाइप कीजिए 192.168.1.1। एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में टाइप कीजिए एडमिन स्मॉल लेटर्स में विदाउट स्पेस। टाइप करने के बाद लॉगिन का बटन दबाइए। मॉडर्न कंसोल पेज ओपन हो चुका है जहां पे हम अपने मॉडर्न को IPTV या PCTV के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। मॉडर्न पेज ओपन होने पे आपके सामने दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे, इजी टू इंस्टॉल और एडवांस सेटिंग्स। यहां आप एडवांस सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। एडवांस सेटिंग्स में आप एडवांस सेटअप पे क्लिक कीजिए और वैन सर्विस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कनेक्शन सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहां पे एक टेबल शो हो रहा है जहां पे आपके सामने 4 प्रोफाइल्स रोज शो हो रही हैं, जिनमें से 2 या 1 प्रोफाइल ब्रिज टाइप के साथ शो हो रही होगी। आपको इन ब्रिज टाइप प्रोफाइल्स रोज को रिमूव करना है। सबसे पहले इन ब्रिज प्रोफाइल्स के सामने रिमूव के चेक बॉक्सेस पे चेक कीजिए और रिमूव का बटन दबा दीजिए। यहाँ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं स्टेप 2 की जानिब। स्टेप 2, अपनी प्रोफाइल ऐड करने के लिए ऐड का बटन दबाइए। अब आपके सामने लिस्ट डाउन मेन्यू शो हो जाएगी और यहाँ आप अपने मीडिया के अकॉर्डिंग प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप ATM 0x35 सिलेक्ट करेंगे और अगर आप कॉपर कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप ATM 0x102 सिलेक्ट करेंगे। ATM सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। कनेक्शन टाइप में ब्रिज की ऑप्शन को चूज कीजिए और नेक्स्ट करके सेटिंग्स को अप्लाई सेव कर दीजिए। इन केस स्मार्ट TV PCTV एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रही तो आप वॉइस सपोर्ट के लिए हमारी हेल्पलाइन 1218 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन चैट सपोर्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अगर आप थ्रू SMS कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप दी गई हिदायत पे अमल करते हुए शिकायत नोट करवा सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।